स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पवन यूनिवर्सिटी जौनपुर से अपडेटेड कॉलेज पीडीपीजी कॉलेज से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप आ रही है, जहां पे स्टूडेंट्स आज हम बातेंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल डेट की कॉलेज की तरफ से जारी कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स का अब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आइए बच्चों, आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जैसा हमने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग की जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री की, उसकी एग्जाम डेट कॉलेज के द्वारा जारी कर दिया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ साफ शब्दों में बीएससी थर्ड सेमेस्टर रसायन विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा न्यूनतम समय सारणी के अनुसार संपन्न होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे बच्चे मैथ ग्रुप के हों, चाहे ये बच्चे बायो ग्रुप के हों, ये सभी बच्चों के लिए यह इन्फॉर्मेशन है। तो आइए बच्चों बात करते हैं किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चों का 27 अप्रैल को एग्जाम होने जा रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एग्जाम होगा वो 3 दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा, जहाँ पे आपकी बैच है, दिनांक है, समय है, ग्रुप है, उसके बाद आपका रोल नंबर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें जो आपकी प्रथम बैच है, 20 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल आपका 3 दिन एग्जाम होने वाला है। हर एक दिन 2 ग्रुप को डिवाइड किया गया, ग्रुप ए ग्रुप बी, जहां पे फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें जो आपका प्रैक्टिकल होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और ग्रुप बी का जो प्रैक्टिकल होगा दोपहर में 12:30 से 3:30 बजे तक, ये आपका एग्जाम होने वाला है। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं जो आपका फर्स्ट ग्रुप होगा उसका क्या रोल नंबर होगा। आप देख सकते हैं 22, 60, 12, 38, 420 से लेके 22, 60, 12, 38, 599 तक रोल नंबर के सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका प्रथम बैच में 27 अप्रैल 2023 को 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, जो आपका ग्रुप बी है उसमें आपका जो टाइमिंग होगी 12:30 से 3:30 बजे तक, और जो रोल नंबर होगा 22, 60, 12, 38, 600 से लेके 22, 60, 12, 38, 785 रोल नंबर तक सभी बच्चों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपका सेकेंड बैच में होगा। नेक्स्ट अगर बात करें द्वितीय बैच जो आपका होगा, सेकेंड बैच जो कि प्रैक्टिकल आपका 28 अप्रैल को होगा, अब यहाँ पे जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ग्रुप ए का एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और जो ग्रुप बी है यहाँ पे देखिए समय बताया नहीं गया है, लेकिन जो आपका समय होगा ऊपर के अकॉर्डिंग होगा, जो सेकेंड बैच का टाइमिंग होगी 12:30 से 3:30 आप कर सकते हैं, 12:30 to 3:30। यहाँ पे अगर रोल नंबर की बात करें 22, 60, 12, 38, 964 से लेके 22, 60, 12, 39, 127 रोल नंबर तक के सभी स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपका सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स का होगा। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रुप थ्री, जो आपका बैच थ्री है, थर्ड बैच, जहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप ए में 22, 60, 12, 39, 128 रोल नंबर से लेके 39,295 रोल नंबर तक के सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच में आप कर सकते हैं सुबह 9 से लेके 12 बजे तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप बी में 22, 60, 12, 39, 996 से लेके 22, 60, 12, 39, 474 रोल नंबर तक के सभी स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो ग्रुप बी में, अगर हम टाइमिंग की बात करें मान के चलिए 12:30 से 3:30 बजे तक की आपकी टाइमिंग होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी की जो टाइमिंग है वो कॉलेज के द्वारा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो आपकी ग्रुप की टाइमिंग होगी वो आपको यहाँ पे रहेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें आप सबको क्या लेके आना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कैसे, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना होगा, इसके साथ हम आपको बताएंगे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पे नोट सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड है, रिकॉर्ड फाइल लेकर समय से उपस्थित होना होगा। आप रिकॉर्ड फाइल आप जानते हैं आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान जो फाइल आपको कॉलेज के द्वारा बनवाई गई है आपके पास, वो अपनी आपकी कॉलेज की फाइल होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपके साथ होना चाहिए। यह आपका इन्फॉर्मेशन काफ़ी जल्द 25 अप्रैल को 23 आप देख सकते हैं यह इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है, और 27 अप्रैल से ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम 3 दिन 27, 28, 29 तक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए कैसे क्या तैयारी करना है, आप अपना प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें आपको काफ़ी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन में आप अपने सभी प्रैक्टिकल को याद कर डालिए। प्रैक्टिकल याद करने का मतलब, अगर आपके प्रैक्टिकल फाइल में 4 या 5 प्रैक्टिकल लिखाए गए हैं, जितने भी प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कराए गए हैं सभी प्रैक्टिकल फाइल में आपके लिखे गए होंगे, और उन सभी फाइलों को प्रैक्टिकल को आप अपना क्या करें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद कॉलेज में आप जाएंगे, आपको कॉलेज की तरफ से जो भी प्रैक्टिकल दिए जाएंगे 3 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिकल करने होंगे, साथ ही साथ जैसे ही आप प्रैक्टिकल अपने लैब में करते रहेंगे उसी समय जो एग्जामिनर होंगे वो आपका वाइवा लेने के लिए आएंगे, वो आपके एग्जामिनर आएंगे आपके पास, वहाँ पे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकते हैं, देखिए एग्जामिनर वाइवा, वाइवा का कह सकते हैं ये समुद्र है जहाँ पे किसी का ना ओर होता है ना छोर होता है। वाइवा में एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अगर हम बात करें एग्जामिनर आपसे वाइवा में आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर पूछ सकता है, अगर ऑर्गेनिक सॉल्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में पूछ सकता है, ऐसे कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते, प्लस आपने कितने प्रैक्टिकल किए हैं, आपके टीचर्स क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है, या आप कहाँ से आते हैं, आपके ऐसे कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके
मेंटल एबिलिटी को देखते हुए आपसे पूछ सकते हैं, आपसे किसी प्रकार के एसिड और बेस का भी नाम ले से पूछ सकते हैं, आपसे एग्जामिनर किसी प्रकार का कोई भी वाइवा कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम जो वाइवस होते हैं वो आपकी केमिस्ट्री से फाइल से ही रिलेटेड होंगे, जो आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा यह प्रैक्टिकल आप कैसे कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है, फनल है आपका, इन सब का यूजेस बताने होते हैं। इसी प्रकार इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो वीडियो आप सबके लिए जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।